हेलो स्टूडेंट, क्विकली रिवाइज करेंगे कंडक्टिव मैकेनिज्म हार्ट। तो सबसे पहले समझेंगे कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए किसी भी तरह के ब्रेन की सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके पास एक नोड प्रेजेंट होता है जो कि राइट आर्ट्रियम के कॉर्नर में और सुपीरियर वेना कावा के बेस में प्रेजेंट होता है, जिसे हम एसए नोड कहते हैं, साइनो आर्ट्रियम नोड, जो कि एक सिग्नल जनरेट करेगा। और सिग्नल जनरेट करने के बाद ये सिग्नल ट्रांसमिशन होगा एवी नोड के पास, जिसे हम कहते हैं आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर नोड्स। और आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर नोड सिग्नल ट्रांसमिशन करता है, जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस दो भाग में डिवाइड होती है, जिसे हम राइट बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस कहते हैं, जो कि राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट में सिग्नल ट्रांसमिशन करेगा। और जो कि लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिस जो भी फर्दर डिवाइड करेंगे, उसे हम कहेंगे पार्किंजे फाइबर। और ये पार्किंजे फाइबर से होती हुई सिग्नल ट्रांसमिशन होगा, इसके वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। इसी तरह के क्विक रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।